हेलो एंड वेलकम गाइस टू दिस ऑल न्यू वीडियो ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। एंड आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को लोडआउट्स, बेस्ट लोडआउट्स के बारे में, जो कि रैंक मैचेस में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना इस वीडियो को, जो कि मेरे को मोटिवेशन देगा और ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा ये स्टैट्स थोड़ा सा रैंक मैचेस का। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंक मैच यहाँ से शुरू होगा अभी। हाँ ये रहा देखो, जैसे जो ये 8 किल्स वाले हैं विक्ट्री, ठीक है। तो रैंक मैचेस आप देख सकते हो मेरे लास्ट के 5-6 रैंक मैचेस में मैंने 5 विक्ट्रीज लिए हैं। तो आप देख सकते हो कैसे मैं खेलता हूँ। तो मेरे लोडआउट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मेरे लोडआउट जो है। अगर लोडआउट अच्छा नहीं रहे तो आप रैंक मैचेस में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, उतना अच्छा जीत नहीं पाओगे, ठीक है। और अभी क्योंकि COD चैम्पियनशिप चल रहा है तो काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि इसमें कैसे लोडआउट्स रखे या कैसे लोडआउट अपना रख सकते जिससे जीत पाए। तो मैं सोचा कि एक वीडियो ही बना के मैं अपलोड कर दूँ। तो चलो आप आते हैं इस लोडआउट में कि लोडआउट कैसे आप चेंज कर सकते हो और कैसे आप सही रख सकते हो जिससे आपका रैंक मैचेस में काफ़ी विंस हो, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो आप बेसिक लोडआउट ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें अब आ जाते हैं हम राइट साइड बॉटम कॉर्नर में। ये जो आप तीन देख रहे हो टैब्स, ठीक है, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू। तो रेड टैब पे क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए आप ये पर्क जो है, मैं फ्लैग जैकेट यूज़ करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मुझे मतलब रिडक्शन दे देता है डैमेज से, जो एक्सप्लोजन के वायर डैमेज होता है, जैसे मिसाइल का हो गया या वॉर मशीन का हो गया, जो भी एक्सप्लोजन होता है ना, उससे मेरे को काफ़ी ये हेल्प देता है। तो मैं ये रखता हूँ, ये आप भी रख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद मैं ग्रीन वाले में जाता हूँ। तो ग्रीन वाले में मैं टफनेस यूज़ करता हूँ और काफ़ी लोग इसमें वल्चर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वल्चर आपको तब यूज़ करना होता है जब आपको एमओज कलेक्ट करने हैं, जैसे आप MSMC अगर यूज़ करते हो तो आपको जल्दी जल्दी उसका काफ़ी यूज़ हो जाता है। तो आप वल्चर यूज़ करो तो उससे क्या है, आप एमओ पिकअप कर सकते हो और फिर उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो फॉर किल्स, ठीक है। लेकिन मैं टफनेस यूज़ करता हूँ। टफनेस क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो समझ लो कोई एनिमी मेरे को शूट कर रहा तो उससे मेरा क्या है 60% डैमेज रिड्यूस हो जाता है। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा वो हिट करता है तब जाके मैं मरता हूँ, तुरंत नहीं मरता, ठीक है। तो इससे मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंस इसमें रखता है रैंक मैचेस में। अब ब्लू वाला में आते हैं। तो ब्लू वाला में भाई आँख बंद करके डेड साइलेंस रखो, क्योंकि अगर तुम्हारा फुटस्टेप्स पता चल रहा है ना तुम्हारे एनिमी को तो वो मार देगा तुम्हें। बेसिकली सर्च एंड डिस्ट्रॉय में बहुत हेल्पफुल रहता है ये सर्च एंड डिस्ट्रॉय में, क्योंकि लोग देखते रहते हैं कैंप कर रहे होते हैं या तो बॉम्ब प्लेस करके या तो बॉम्बर जब आ रहा होता है उसको मारने के लिए। तो ये काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है सब डेड साइलेंस यूज़ करते हैं। तो ये आँख बंद करके यूज़ करो, इसके अलावा कुछ मत यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर आता हूँ तो लीथल वेपन में आता हूँ। लीथल में क्या है, ट्रिप माइन यूज़ करो। ट्रिप माइन बेस्ट है मेरे हिसाब से हार्ड पॉइंट के लिए। अगर हार्ड पॉइंट में कोई बंदा आ रहा होता है, एनिमी आ रहा होता है, तो तुम ऐसे लगा सकते हो कि वो मुझसे फंस के मर जाए, ठीक है। तो ट्रिप माइन इज़ बेस्ट। अगर आपको फ्रैग ग्रेनेड भी यूज़ करना अच्छा लगता है तो फ्रैग ग्रेनेड यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रिप माइन इज़ बेस्ट। उसके बाद मैं आता हूँ उसके ये टैक्टिकल वेपन में। तो टैक्टिकल वेपन के लिए डोमिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, स्मोक ग्रेनेड का। बाकी कुछ आप किसी और में यूज़ होता है तो कुछ और रख सकते हो, लेकिन स्मोक ग्रेनेड ज़रूर रखें डोमिनेशन मैच है तो। और क्योंकि MP रैंक मैचेस में तुम्हारा सब रैंडम होता है तो कभी भी डोमिनेशन आ सकता है, तो स्मोक ग्रेनेड तो सब में रखो ही भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि अगर समझो तुमको बीच में जाना है, जो बी होता है डोमिनेशन के लिए, तो उसको गार्ड करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए तुमको स्मोक ग्रेनेड फेंको और उसमें लेट जाओ तो जल्दी कैप्चर हो जाता है और एनिमी को दिखता नहीं है। तो ये बेस्ट है तुम्हारा डोमिनेशन के लिए, ठीक है। अब ऊपर ऑपरेटर स्किल्स में आते हैं। तो ऑपरेटर स्किल्स में मुझे दो ही अच्छा लगता है, एक हाइव और एक वॉर मशीन, ठीक है। हाइव इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसको प्लेस करके छोड़ दो तो काफ़ी लोग एनिमीज में फंस जाते हैं, काफ़ी लोग इसको मारते नहीं है और डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। एक वॉर मशीन तो भाई इतना अच्छा मुझे लगता है, मैं क्या बताऊँ, मेरे तीन लोड आउट में ये वॉर मशीन रखा हुआ है। क्योंकि मैं क्या है, इससे मतलब सामने वाले एनिमी को भी मार सकता हूँ, दूर एनिमी को भी मार सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेस्ट मुझे लगता है वॉर मशीन, ये दोनों हाइव एंड वॉर मशीन। और फिर अब मैं आता हूँ गन्स में। तो गन्स में आप क्या रख सकते हो, तो गन्स के लिए पहले मैं अटैचमेंट्स बता दूँ, अटैचमेंट्स क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अटैचमेंट मैं एक मिनट इधर जाके बताता हूँ, क्योंकि मेरा बेस्ट है PDW, मुझे बेस्ट गन लगता है PDW, वो मैं आऊँगा थोड़ी देर में। तो अब इसका अटैचमेंट बताता हूँ मैं। तो अटैचमेंट में एक तो बेसिक आप रेड डॉट रखो ही, ठीक है। होलो इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि काफ़ी मेरा व्यू ब्लॉक कर देता है होलो, इसलिए मैं उसको नहीं रखता हूँ, रेड डॉट रखता हूँ, रेड डॉट हमेशा यूज़ रहता है मेरा, ठीक है। अब इसमें मैं बताऊँगा सेकेंड अटैचमेंट के लिए, या तो स्टॉक रखो या
रखो, इग्नोर रखो, दोनों में से कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट तुमको जो लगे वो यूज़ कर सकते हो। ऐसे तुम स्टॉक रखोगे तो भी सही रहेगा, क्विक ड्रॉ रखोगे तो भी सही रहेगा, दोनों में तुम्हारा क्या है मूवमेंट थोड़ा अच्छा हो जाता है। फिर एक फोर ग्रिप भाई इसलिए रखो क्योंकि तुम्हारे रिकॉयल का भरोसा नहीं है तुम्हारे गन का, तो रिकॉयल कैसे होगा क्या होगा, तुम्हारा थोड़ा कंट्रोल तो होगा फोर ग्रिप के कारण, तो फोर ग्रिप रखो। फोर्थ अटैचमेंट फास्ट रिलोड हमेशा रखो क्योंकि तुम्हें एनिमी से बचना है, एनिमी अगर तुम्हारे सामने आ गया और तुम्हारा रिलोड ले लिया तो भाई बहुत दिक्कत है अगर स्लो है तो फास्ट रिलोड पक्का रखो, ठीक है। तो अब ये अटैचमेंट्स हो गया, अब आते हैं मेन वेपन्स के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट वेपन मेरे को लगता है PDW-57, क्योंकि क्या है कि इसका तुम खुद देख लो, यहाँ पे मैं बताता हूँ तुमको, डैमेज 90 है, फायर रेट 50 है, मोबिलिटी 75 है, मतलब सब कुछ अच्छा है भाई इसका। रेंज भले कम है लेकिन अगर आप मूव करते हुए खेलोगे और बहुत अच्छे से मूव करोगे तो ये बहुत अच्छा वेपन है। हाँ अगर आप स्नाइपर हो तो भाई ये वेपन तुम नहीं कर सकते, अगर स्नाइपर ज़्यादा अच्छा लगता है तुम्हें तो ठीक है। तो बेस्ट वेपन PDW रखता है, उसका अटैचमेंट भी मैंने बता दिया तुम्हें किस तरह से तुम रख सकते हो, और PDW के अलावा मुझे लगता नहीं है बेस्ट गन कोई है इसमें रैंक मैचेस में खेलने के लिए। फिर उसके बाद BK-57 में आते हैं। BK-57 का भी अच्छा, काफ़ी अच्छा है और मैं सेकंड रेट करूँगा इसको गन को, क्योंकि इसका डैमेज और एक्यूरेसी और रेंज मिला के ना भाई ये बेस्ट गन लगता है मुझे, क्योंकि मतलब काफ़ी अच्छा डैमेज दे देता है ये, और मतलब हमेशा चेस्ट या फेस पे मारो तो भाई तुरंत मरेगा एनिमी, कोई दिक्कत नहीं है। फायर रेट भी बहुत अच्छी है, मोबिलिटी भी बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। अब थर्ड गन में आ जाते हैं, तो थर्ड गन में मैं टाइप 25 इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसका डैमेज और एक्यूरेसी और मोबिलिटी एंड फायर रेट बहुत अच्छा है। हाँ थोड़ा रिकॉयल में इसका प्रॉब्लम है, रिकॉयल बहुत होता है, तो इसलिए मैं फोर ग्रिप यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, अच्छा एक और चीज़ बताना था मुझे कि टाइप 25 की जगह आप M16 भी यूज़ कर सकते हैं। M16 यूज़ करने के लिए मतलब अगर आपको रखना है तो M16 आप आराम से यूज़ कर सकते हो, लेकिन वही है कि M16 क्या होता है कि उसका फायर रेट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप उसको चेस्ट और फेस पे मारोगे ना तो 3 शॉट में आराम से एनिमी मर जाएगा, तो वही है इसलिए आप ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे AK-117 एंड M4 बेस्ट है तुम्हारा बैटल रॉयल के लिए, तो वैसे टाइप 25 मुझे अच्छा लगता है फॉर MP मैचेस। अब आते हैं फोर्थ नंबर वेपन पे, तो फोर्थ नंबर वेपन मुझे रस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका डैमेज और एक्यूरेसी देख लो भाई, 78 एंड 55 बहुत अच्छा है, और मोबिलिटी तो भाई माशाल्लाह 75 है, तो इसलिए मैं बोलूँगा रस भी आप यूज़ कर सकते हो, रस का काफ़ी अच्छा डैमेज होता है भाई, यूज़ करके मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन हाँ आपको मोबिलिटी बढ़ाना होगा, आपको मूव करते हुए मारना होगा। अब मैं बताता हूँ नंबर फाइव में आप क्या रखो, तो वो आप रख सकते हो कोई स्नाइपिंग ज़रूर रखें, क्योंकि क्रॉस फायर जैसा अगर कोई मैप लग गया और आपको स्नाइपिंग पसंद है तो मतलब आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा स्नाइप करना। और स्नाइप में आप 3 स्नाइपर ही यूज़ करो मेरे हिसाब से, या तो आर्कटिक यूज़ कर लो, ठीक है, या तो मैं बताया ज़रा, या तो आर्कटिक यूज़ कर लो या लोकस यूज़ करो, ठीक है, लोकस भी यूज़ कर सकते हो, इसका भी काफ़ी अच्छा फायर है। और फिर DLQ-33 ये भी बहुत अच्छे लगते हैं काफ़ी लोगों को, ठीक है, इसका काफ़ी अच्छा मोबिलिटी है इसीलिए, तो तुम ये तीनों में से यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा तुम्हारा मतलब प्रोग्रेस हो जाएगा। अब मैं सेकेंडरी वेपन बताना चाहता हूँ, क्योंकि सेकेंडरी वेपन के लिए क्या होता है कि सेकेंडरी वेपन अगर तुम अच्छा रखोगे ना तो हार्ड पॉइंट और डोमिनेशन में तुम्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, तो या तो नाइफ रख लो, ठीक है, या तुम एक ये पिस्टल रख सकते हो MW-11, या तुम J-358 रख सकते हो, ठीक है। ये तीनों वेपन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम फास्ट मूव कर सकते हो, हार्ड पॉइंट में जा सकते हो, डोमिनेशन में जल्दी से बीम तक पहुँच सकते हो और तुम उसको जल्दी डोमिनेट कर सकते हो, ठीक है। और एक किसी भी लोड आउट में FHJ ज़रूर रखना, लेकिन स्नाइपर वाले में मत रखना, ठीक है। FHJ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम उसको मार सको जो तुम्हारा UAV वगैरह रहता है या काउंटर UAV रहता है उसको डिस्ट्रॉय कर सको, या कोई स्टेल चॉपर हो गया, VTOL किसी ने लगा दिया गलती से, VTOL आ गई तुम्हारे उसमें, ठीक है, अगेंस्ट एनिमीज में, तो तुम इससे मार सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इस तरह का लोड आउट रखो, और भाई मैं बता रहा हूँ मतलब 98% to 99% तुम जीतोगे ही, ठीक है, काफ़ी अच्छा, बस तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें तभी होगा। तो मतलब COD चैम्पियनशिप अब अगले हफ्ते होने वाली है, तो उसके लिए तुम इस हफ्ते पूरा प्रैक्टिस कर लो इसी लोड आउट से, तो मैं बता रहा हूँ भाई तुम्हारे इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। चलो गाइज, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ठीक है। और अगर आपको और कुछ जानना है जैसे कि बैटल रॉयल में क्या वेपन्स अच्छे हैं, या फिर आपको क्या नया सीक्रेट स्पॉट चाहिए बैटल रॉयल का, तो प्लीज़ कमेंट कर दो नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसमें वीडियो बना के डाल सकूँ, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू, बाय।